नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाइयों, ये जो ट्रैक्टर 52 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, अगर आपको 52 हॉर्स पावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहेगा। किसान भाई, अगर आपको एक ऐसे ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है जो कि दिखने में बढ़िया हो, चलने में बढ़िया हो, परफॉर्मेंस अच्छी दे, बिल्ड क्वालिटी जिस ट्रैक्टर की काफ़ी बढ़िया हो और यहाँ तक कि बजट में आपको मिल जाए, तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप चाहें तो इस ट्रैक्टर को रोटावेटर, थ्रेसर, स्ट्रो रीपर, ढुलाई के काम के हिसाब से या फिर और भी रोजमर्रा के खेती के काम के हिसाब से काफ़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक्टर जो है प्लाऊ और हैरो पे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इस ट्रैक्टर में आपको टोटल 15 गियर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आपको ज़्यादा गियर की रिक्वायरमेंट रहती है तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी। तो चलिए और डिटेल में हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में, और सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। तो इस ट्रैक्टर जो कीमत तकरीबन 7,20,000 से लेकर 7,70,000 के बीच में रहती है। इस ट्रैक्टर की जो कीमत है कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कृषि यंत्रों की जो कीमतें फिक्स नहीं होती है, कम ज़्यादा होती रहती है और अलग अलग राज्यों के अलग अलग टैक्सेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, तो इस वजह से भी कीमत जो वेरी कर सकती है। हो सकता है किसी राज्य में ट्रैक्टर आपको सस्ता मिले और किसी राज्य में ट्रैक्टर आपको महंगा मिले। तो मैंने जो आपको कीमत बताई इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि तकरीबन इतने बजट में ट्रैक्टर आपको पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये जो ट्रैक्टर 52 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर इंजन के सिलेंडर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर इंजन की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 2932 सीसी की पावर जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर इंजन के आरपीएम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो इंजन तकरीबन 2000 आरपीएम जनरेट करता है। एयर फिल्टर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल बार टाइप वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। और कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको कूलेंट कूल टाइप वाला इंजन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी बढ़िया इंजन जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। पावर ट्रैक कंपनी जो काफ़ी अच्छे इंजन बनाती है, इस ट्रैक्टर जो इंजन है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं और बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस माने जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के बारे में, और सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर क्लच के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको केवल और केवल डुअल क्लच मिलती है, इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल क्लच का ऑप्शन नहीं मिलता है। वैसे ही 52 हॉर्स पावर का बड़ा ट्रैक्टर है तो जाहिर सी बात है आप इस ट्रैक्टर को बड़े काम में इस्तेमाल करेंगे, तो डुअल क्लच होने की वजह से ट्रैक्टर जो और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है और क्लच भी काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस हो जाती है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको कॉन्स्टेंट मैच वाला ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। और गैलीवर की पोजीशन की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको साइड शिफ्ट गैलीवर की पोजीशन देखने को मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया गैलीवर की पोजीशन जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर गियर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको टोटल 12 फॉरवर्ड गियर और 3 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। टोटल 15 गियर जो इस ट्रैक्टर में दिए गए हैं। अगर आपको पडलिंग वगैरह के काम के हिसाब से ज़्यादा गियर की रिक्वायरमेंट रहती है तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। ज़्यादा गियर होने की वजह से आप अलग अलग इंप्लीमेंट पर अलग अलग गियर का इस्तेमाल कर पाएंगे, तो ट्रैक्टर जो और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है। और इस ट्रैक्टर जो गियरबॉक्स की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है, गियर की शिफ्टिंग वगैरह काफ़ी स्मूथली होती है और गियरबॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको मल्टी प्लेट ओलिमस डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। तेल में डूबा हुआ जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी बढ़िया माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद भी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में तो वो तकरीबन 2000 किलोग्राम। काफ़ी बढ़िया लिफ्टिंग कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। पावर ट्रैक कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी लिफ्ट बनाती है, इस ट्रैक्टर में आपको सेंसी वन टाइप वाली लिफ्ट देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइसली काम करती है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर स्टेयरिंग के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको बैलेंस्ड पावर स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया काफ़ी हैवी ड्यूटी पावर स्टेयरिंग जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल स्टेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, केवल पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन ही जो है इस ट्रैक्टर में दिया गया है। और जाहिर सी बात है 52 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और आप इस ट्रैक्टर को बड़े बड़े इंप्लीमेंट भी यूज़ करेंगे तो पावर स्टेयरिंग होने की वजह से ट्रैक्टर जो है काफ़ी स्मूथली चलेगा और ड्राइवर को थकान वगैरह भी महसूस नहीं होगी। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर फील्डिंग की कैपेसिटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 60 लीटर की फील्डिंग की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एक 52 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से ठीक ठाक फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। और एवरेज की अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर एवरेज बढ़िया देता है। अगर आप ज़्यादा लोड पर ट्रैक्टर को चलाएंगे तो एवरेज उतना अच्छा तो नहीं दे पाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल खेती के काम में इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रैक्टर एवरेज और परफॉर्मेंस दोनों ही काफ़ी बढ़िया देगा। तो एवरेज के मामले में ट्रैक्टर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। एक मीडियम जो एक 52 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का एवरेज होना चाहिए, तकरीबन उतना एवरेज ये ट्रैक्टर देता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर पीटू के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर पीटू के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 6 स्पिन शार्ट फॉलो पीटू टाइप देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर पीटू के आरपीएम के बारे में तो
तो इस चैप्टर में पीडियो तकरीबन 540 RPM जनरेट कर सकता है और इस चैप्टर में आपको मल्टी स्पीड रिवर्स पीडियो भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें चैप्टर पीडियो का हॉर्स पावर के बारे में तो इस चैप्टर में पीडियो तकरीबन 6 लाख हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। तो आप इस चैप्टर पीडियो के मदद से 7 फीट तक का रोटावेटर काफी आसानी से चला सकते हैं। इस चैप्टर पीडियो का बड़ी थ्रेशर स्ट्रॉ रीपर जैसी कई सारी बड़ी बड़ी मशीनरीज पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक्टर जो पीडियो के काम में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और एवरेज भी काफी बढ़िया देता है। चलिए हम बात करते हैं चैप्टर टायर के साइज के बारे में। अगर हम बात करें चैप्टर फ्रंट टायर के साइज के बारे में तो इस चैप्टर में आपको 7.5x16 का फ्रंट टायर साइज मिल जाता है। अगर हम बात करें चैप्टर रिवर्स टायर के साइज के बारे में तो इस चैप्टर में आपको 14.9x28 का प्रेशर टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो एक 52 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफी बढ़िया टायर साइज जो इस चैप्टर में दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर टोटल वजन के बारे में तो वो तकरीबन 2160 किलोग्राम। व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2050 mm। ग्राउंड क्लीयरेंस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 425 mm। तो अगर आप इस चैक्टर का ओवर साइज देखें तो काफी बढ़िया साइज इस चैक्टर का दिया गया है। इस चैक्टर में आपको काफी बढ़िया व्हील बेस भी देखने को मिल जाता है जिस वजह से ट्रैक्टर आगे से उठता नहीं है और जमीन से पकड़ बना के चलता है। ग्राउंड क्लीयरेंस भी इसमें आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, ट्रैक्टर कहीं पर अड़ेगा नहीं। चलिए हम बात करते हैं इस चैक्टर की वारंटी के बारे में तो इस चैक्टर में आपको तकरीबन 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है जो कि काफी बढ़िया है। फिलहाल किसान भाई मुझे नहीं लगता कि 5 साल तक कोई बड़ा मेजर मेंटेनेंस का खर्चा इस चैक्टर में निकलेगा, लेकिन फिर भी ज्यादा वारंटी होने की वजह से आप काफी ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। अगर कोई बड़ी टूट फूट वगैरह इस चैक्टर में होती है तो कंपनी आपको रिप्लेस करके देगी और इसकी सर्विस वगैरह भी करके देगी। और वैसे पावर ट्रैक कंपनी जो सर्विस के मामले में काफी बढ़िया मानी जाती है, इनके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो भी काफी आसानी से आपको मिल जाते हैं और यही कारण है पावर ट्रैक के जो ट्रैक्टर है उनकी रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी होती है। तो किसान भाई इतनी जानकारी पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट ट्रैक्टर के बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। किसान भाई अगर आपको ज्यादा गियर की रिक्वायरमेंट है और अगर आपको 52 हॉर्सपावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा गियर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है तो आप पावर ट्रैक यूरो 50 पावर हाउस ट्रैक्टर ले सकते हैं। वो भी काफी बढ़िया ट्रैक्टर है, वो भी तकरीबन सेम स्पेसिफिकेशन उस ट्रैक्टर में आपको देने को मिल जाती है। बस दोनों ट्रैक्टरों में गियर का फर्क है, ज्यादा गियर होने की वजह से जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा सुधार आएगा। तो अगर आप चाहें तो इस ट्रैक्टर को बेफिक्र होकर ले सकते हैं। ट्रैक्टर काफी बढ़िया है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस ट्रैक्टर की दी गई है और बहुत ही ज्यादा लो मेंटेनेंस से ट्रैक्टर माना जाता है। तो फिलहाल किसान भाई ये थी जानकारी पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाई हमने पावर ट्रैक के बाकी ट्रैक्टर्स पर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं तो आप अपने चैनल किसान खबरी पर जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं तक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।